स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल फाइनेंशियल एड कोई स्टेट को मिलना चाहिए तो उड़ीसा को मिलना चाहिए सर। कोलावरम डैम अगर अभी निर्माण होता है तो मेरे मालकानगिरी के 162 गांव, हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड समर्ज हो जाएंगे सर। आप मुझे मौका दिए बजट में बोलने के लिए इसलिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा सर। सर सबसे पहले तो इस बजट के बारे में बोलूंगा, जो अपने माननीय सदस्य जो 50 स्कीम बोल रहे हैं ये यूपीए के स्कीम नाम बदल कर बोल रहे हैं। आप पता करो कितने स्कीम यूपीए के हैं, ये नाम बदल के बोल रहे हैं कि भाजपा। सत्तागिरी साहब, सर ये बजट अलाउ किया है आप चेयर को, आप ही को बोल रहे हैं सर, आपके माध्यम से उनको बोल, आप मेंबर को नहीं बोल सकते ये सर। आप ये बजट एक बहुत ही कमजोर बजट है। दिस इज बिकॉज दिस गवर्नमेंट दे हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 303 टू 240, दैट्स व्हाई दे आर बीइंग फोर्स्ड टू डिलीवर सच ए सब्ड्यूड बजट एंड दे हैव बीन ब्लैक में द रिजल्ट्स अट्रैक्ट्स। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है आंध्र या बिहार को, आप ज़्यादा आर्थिक मतलब फाइनेंशियल एड तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल फाइनेंशियल एड कोई स्टेट को मिलना चाहिए तो उड़ीसा को मिलना चाहिए सर। पिछले 11 साल में 16 कैटास्ट्रोफीज, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, हर साल साइक्लोन आता है सब तबाह करके चला जाता है, एंड अगर कोई स्टेट डिजर्व करता है तो उड़ीसा डिजर्व करता है। दूसरी बात सर, दूसरी बात पोलावरम डैम जो नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिए हो आप, कोलावरम डैम अगर अभी निर्माण होता है तो मेरे मालकानगिरी के 162 गांव, हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड समर्ज हो जाएंगे सर। इसमें ना एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला है, ना ही ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कोल डिपॉजिट्स, ये सारी चीज डूबेंगे सर। कोलावरम डैम इज ए नो गो, ये होगा तो उड़ीसा के मालकानगिरी जिला, बहुत सारे आदिवासी बाहुल एरिया ये सब समर्ज होंगे सर। एक तो मैं बोला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उड़ीसा का मिलना चाहिए, वी डिजर्व इट, बहुत सारे साइक्लोन्स होते हैं। दूसरा पोलावरम डैम ये बनेगा तो मेरे मालकानगिरी के जिले के 162 गांव सबमर्ज होंगे, हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज होगा। कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ, ये दादागिरी नहीं चलेगा सर। आंध्र को बिहार को आप दो पैसा, उड़ीसा पर अन्याय नहीं होना चाहिए। तीसरी बात सर, मेरे एक एस्टीम्ड कोलीग बोले थे कि यूपीए टाइम में रेल लाने के लिए लालू जी के पास जाते थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर, रायगढ़ रेल डिवीजन 2017-18 में इसको डिक्लेयर किया गया, 15-20 क्वेश्चंस यहाँ पूछ चुके हैं, मंत्री जी से बात करें अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी बोल रहे 70 करोड़ का आवंटन है। मैं रिक्वेस्ट कर रायगढ़ रेल डिवीजन हो, गुणपुर तेरे रेल लाइन सर, 15 क्वेश्चंस 15 10 0 आवर 377, कुछ नहीं होता सर। कभी बोलते हैं राज्य सरकार पैसा देगा, कभी बोलते हैं केंद्र सरकार देगा, ये ऐसे ही चलते आ रहा है। केंद्रीय विद्यालय जयपुर 20 बार उठा चुका है सर पिछले सदन में, ये अन्याय हो रहा है उड़ीसा के लिए। भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार ये बार बार करता है। एम्स संबलपुर, मेरा नहीं आप ही लोग का डिमांड था, एम्स संबलपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़, ये हम लोग का डिमांड करते आ रहे सर, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक्सप्रेस वे को आप जो राशि दे रहे हो, 348 किलोमीटर कोस्टल हाईवे अंदर भारतमाला परियाजमल प्रोजेक्ट, ये उन्हीं की सरकार ने बोला था कि हमें चाहिए, ये भी सब कुछ नहीं मिल रहा है। उड़ीसा कैपिटल रिंग रोड रीजन सर, आदिवासियों के बारे में ये बोले कि दिस इज helping the tribals. I'll tell you one example sir, the proposed critical mineral mission and the auctionizing of offshore blocks for mining starkly overlooks the dire consequences. Mining ko sab ek ek karke auction kar rahe ho, fir aap bol rahe ho ki ek naya scheme le aaye ki apne jo adivasiyon ke liye 5-6300 gaon ke liye nahi 63000 villages ke liye 5 crore tribal habitat doge. Ek to hamare pahad, jungle, zameen sab bech ke auction karoge, koi ग्राम सभा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग को पैसा बेल देखल कर देते हो, फिर बोल देते हम स्कीम करेंगे सर। इंटरिम बजट एंड इस बजट में देखा, दोनों के में डिफरेंस है। इंटरिम बजट में 1,21,23 रुपया सैंक्शन किए थे ट्राइबल्स के लिए, इस बजट में था 1,24,909 रुपये। सर सब पैसा कहाँ से आया? जब आप बोल रहे हो कि आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, आप कैसे करोगे सर जब पैसा ही नहीं है? ये काफ़ी अन्याय वाला बजट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ सुझाव है सर, उसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर, जब आप नया टैक्स रिजिम लेके आते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी, कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए खराब है, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन गिव ए लिवेज ऑफ कम से कम 3 साल को दो, जो नया वाला
टैक्स रिजीम में जाना चाहता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडक्शन हटा के जाए, जो नहीं जाना चाहता है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में लास्ट में बोलना चाहता हूँ सर, जो आप 1 करोड़ इंटर्नशिप देने के बात कर रहे हो, 95% ऑफ द जॉब्स आर इन इनफॉर्मल सेक्टर्स। जब तक MSMEs को आप संदन नहीं करोगे, GST को आप सुधार नहीं करोगे, आप ये नौकरी दे नहीं सकते हो। शेष में सर, केंदू पत्ता पे GST आप हटाओ। ये आदिवासी के लिए जो जो अन्याय कर रहे हो, अपने माइंड बेच के हम लोग को ये जो छोटा मोटा स्कीम दे रहे हो, ये काफी नहीं है सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। माननीय गृह राज्य मंत्री जी।